एक नया टॉपिक जो डेली लाइफ में हमारे बीच हमारे घर पर यूज होता है, सबके सबके घरों में सबके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई है। तो हमने सोचा है कि इस टॉपिक पे वीडियो दें जो आपको कहीं भी काम आएगा, एग्जाम से लेके और कहीं भी। और टॉपिक का नाम है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसका नाम है अर्थिंग। आपने घरों में सुना होगा अर्थिंग कराना है, अर्थिंग करा लो, अर्थिंग खराब है, अर्थिंग बढ़िया नहीं काम कर रहा, वगैरह वगैरह। आपके हर घर में, हर कमरे में अर्थ का जो है पॉइंट होता है, सॉकेट में खासतौर से दिखाई पड़ता है। अर्थिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट को किसी भी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या किसी और कारणों से अगर कोई नुकसान होने वाला होता है, उस नुकसान को बचाने के लिए जो व्यवस्था, जो अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया जाता है, उसे अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल आपने देखा होगा कई जगह, इस टाइप का सिंबल होता है। तो घरों में अर्थिंग कराना क्यों जरूरी है? शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या किसी अन्य कारण की वजह से बिजली के परिपथ में, बिजली के सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जलने से इक्विपमेंट न जले, आग न लगे, कोई और विध्वंस न हो जाए, और वो जो करंट है वो आसानी से किसी सुगम रास्ते से अर्थ में चला जाए, जमीन के अंदर चला जाए, और हमारी सर्किट, हमारे घर, हमारे इक्विपमेंट, हमारे अप्लायंस सुरक्षित रहे, इसके लिए जो व्यवस्था है की जाती है वो अर्थिंग कहलाती है। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये मैंने बताया। जब आप घर बनवाते हैं तो उसमें अर्थिंग के लिए जो क्विट बनवाते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल्स चीज़ें होती जो डाली जाती है, उसमें से एक अर्थ का वायर आता है। ये वायर जो है आकर आपके मेन सर्किट पे कनेक्ट होता है, और आपके हर कमरों में जितने पॉइंट्स हैं सॉकेट के, खास तौर से जिसमें आपने देखा होगा तीन, उसमें दो छेद जो होते हैं ऐसे और एक बड़ा सा होल यहाँ होता है, तो इन पॉइंटों के सारे अर्थ का वायर जो है लगा होता है। और ये मजे की बात है कि अर्थ का वायर जो होता है वो इंसुलेटेड नहीं होता, बेयर्ड होता है, नंगा होता है। इसलिए होता है ताकि कहीं भी उसके संपर्क में कोई शॉर्ट सर्किट या कोई और तार आए तो वो तुरंत जो है सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर दे और आपके अप्लायंसेस को क्षति होने से बचा सके। तो ये है अर्थिंग। अर्थिंग कराने में दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कॉपर वायर या जीआई वायर यूज किया जाता है, जो तार बाहर आता है पिट के अंदर से, पिट जो है घर के कोने पे कहीं बनाता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और इसमें अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है इस अर्थ वायर का, इसको जरूर मेजर कर लेना चाहिए एमोमीटर से, मैगर से। और वो अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम कॉपर के तार में और के केस में, और 3 ओम जो है जीआई वायर के केस में होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर वो करंट को जो है अर्थ के अंदर ले जाने में, कैरी करने में प्रॉब्लम करेगा, अर्थ रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वही पिघल जाएगा, तार ही पिघल जाएगा। फिर वो अर्थ का जो करंट है, लीकेज करंट, वो अर्थ जमीन के अंदर तो जाएगा नहीं, पिट के अंदर, और वो आपके सर्किट को कहीं ना कहीं मेक एंड ब्रेक डैमेज करेगा। दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर आपने अर्थिंग बढ़िया से करा लिया तो इसको टाइम टू टाइम जो इसका अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करते रहना चाहिए कि ये लिमिटेड जो प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू है उससे कम रहे। अगर उससे ज़्यादा होता है तब भी चिंताजनक है, फिर उसका जो मेंटेनेंस जरूरी है इस अर्थ पीठ का, जिससे उसका अर्थ रेजिस्टेंस मेंटेन रहे। और ये जितने सॉकेट्स हैं, जितने सर्किट के अप्लायंसेज हैं जहाँ पे आप यूज करते हैं, उसमें ये थर्ड पिन जो है जरूर यूज करना चाहिए, और वो थर्ड पिन के पास उसका कनेक्शन जो है अर्थ का तार आके फिजिकली फॉर्म में जुड़ा होना चाहिए अंदर से। तो ये है अर्थिंग। दूसरी चीज इसमें है न्यूट्रल लिंक। ये आपने देखा होगा जहाँ पे फेज वायर आपका बंधा होता है वहीं पे एक न्यूट्रल लिंक नाम से, एक न्यूट्रल दो 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 तार होते हैं फेज और न्यूट्रल। तो फेज के लिए जो है आपका वो होता है सर्किट ब्रेकर या फ्यूज जिसे बोलते हैं वो होता है,
और न्यूट्रल के लिए एक स्ट्रिप होती है मोटी सी, इसको न्यूट्रल रिंग बोलते हैं। ये क्यों होता है मोटा? वो मोटा होने के कारण यही है कि जब लीकेज करंट के केस में जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट का फ्लो, ये फ्यूज तो उड़ जाएगा, जब ये फ्यूज उड़ेगा तो करंट का फ्लो कहाँ होगा? इसके थ्रू जो है जमीन के अंदर अर्थ में चला जाएगा। अगर ये न्यूट्रल लिंक भी फ्यूज वायर की तरह पतला बांध दिया या छोटा, उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो ये भी उड़ जाएगा। जब ये उड़ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो करंट कहाँ रह गया? आपके सर्किट में रह गया। तो सर्किट जब रहेगा तो आपके अप्लायंसेस को डैमेज करेगा। इसलिए उस स्थिति में करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने की स्थिति में ये पिघल ना जाए या ब्रेक ना हो जाए, इसलिए इसको स्ट्रिप लोहे की या तांबे की या कॉपर की जो है, ये स्ट्रिप होती है पत्ती टाइप की, जो जिससे कि ये पिघले नहीं, ये टूटे ब्रेक ना हो जाए। तो ये न्यूट्रल लिंक और मोटा होने का कारण। उसी तरीके से थर्ड पिन सॉकेट में भी अर्थ का पॉइंट मोटा क्यों होता है कि सपोज अगर आपने उसमें अप्लायंसेज इंसर्ट किया और वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट है, तो सारा लोड जो है उसको उस 3 पिन वाले जो मोटा अर्थ पॉइंट है उस पर आ जाएगा, और अगर ये पतला हुआ तो यही पिघल जाएगा, जल जाएगा। तो जल जाने के केस में क्या होगा कि आपका जो जो करंट है वो यही रह जाएगा, और इससे कोई अप्लायंस से जुड़ा है तो डैमेज हो जाएगा, और अगर ये मोटा है तो ये कैरी कर लेगा, कैरी करके अर्थ वायर में आएगा, अर्थ वायर के थ्रू होते हुए पिट में चला जाएगा, अर्थ पिट में। और हाँ, याद रखिए कि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा चूंकि 0 होता है, इसीलिए जो भी पोटेंशियल, जो भी वोल्टेज करंट वहाँ जाती है मल्टीप्लाइड बाई 0, तो नेट वैल्यू आ जाती है 0, और आपका अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाता है। ये छोटी बात है लेकिन मैंने बताना उचित इसलिए समझा कि हर घर में ये यूज होता है, लोगों को पता होना चाहिए, और एग्जाम में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ में क्या फर्क है, न्यूट्रल लिंक में क्या फर्क है, अर्थ रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या नुकसान है, कम होने से क्या फायदा है, अप्लायंसेस को बचाने के लिए अर्थिंग क्यों जरूरी है, और अर्थिंग कराने से पहले सब 3 सावधानियों को और टाइम टाइम पे अर्थ रेजिस्टेंस को देखना, चेक करना क्यों जरूरी है। ये सामान्य अवेयरनेस के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।